अस्सलाम वालेकुम, साकराजम सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज हक्का नूडल। उसके लिए हमने ये नूडल लिया है, ये हमारा ग्रोफर का हैप्पी डे का नूडल है। इसकी जगह आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पे मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसको हमने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। एक हमने यहाँ पे गाजर लिया है, उसको हमने बारीक काट लिया है, देख सकते हैं। एक शिमला मिर्च है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। हमने थोड़े से सोयाबीन लिया है, जिसको हमने पहले से ही उबाल करके इसका पानी निचोड़ दिया है। और ये हमारा देख सकते हैं, इसी स्पून से हमने ये 1 टीस्पून हमने ये टोमेटो केचप लिया है। ये हमने 1 टेबल स्पून हमने ये रेड चिली सॉस लिया है। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ये सोया सॉस लिया है। और ये हमने आधा नींबू लिया है, इसका रस डालना है। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। ये हमने 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक पतीली लिया है हांडी, उसमें हमने 1 लीटर पानी डाला है। इसमें पहले बॉयल आ जाएगा, फिर अपना नूडल डालेंगे हम इसमें। ये देखिए मेरे पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें नूडल डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, आप भी रिफाइंड ऑयल ही डालें, इसमें सरसों का ऑयल नहीं डालना है। जब तक हमारा नूडल सॉफ्ट नहीं होता तब तक हमें इसे उबालना है। ये देखिए ये हमारा नूडल जो है सो उबल गया है, ये सॉफ्ट सा भी हो गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। ये देख सकते हैं आसानी से टूट रहा है, इसको हम छान लेते हैं। हमने इसको छान लिया है और इसके ऊपर अब हम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डाल करके इसको वॉश कर देंगे, तो ये हमारा चिपकेगा नहीं इस तरीके से। ये देखिए हमने नूडल को धो लिया है ठंडे पानी से और हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई लिया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ही तेल डाला है और इसमें हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। पहले इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करके इसको फ्राई करना है। ये देखिए मेरा सोयाबीन जो है सो गोल्डन गोल्डन सा, आप देख सकते हैं, हमको दिख रहा होगा गोल्डन सा हो गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे और अब हम इसी कढ़ाई में अपना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। सरसों तेल में नहीं बनाए, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें तेल डाल दिया है, अब हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक रखना है। ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल लाइट पिंक सा हो गया है। तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल डाल देंगे। अगर इसमें कोई और वेजिटेबल आपको ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी या बीन्स या टमाटर वगैरह, कुछ और भी आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको 2 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब हम इसमें ये सोयाबीन डाल देंगे। इसमें सोयाबीन और सारी सब्जी डाल करके 2 मिनट फ्राई कर लिया है। और अब इसमें टोमेटो केचप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो और ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसमें सोया सॉस डाल देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर दिए हैं, अब इसमें हम नमक डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर जो लिए थे वो डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे और हम सोयाबीन को उबालते टाइम सोयाबीन में भी थोड़ा सा नमक डाले थे, तो आप भी नमक डाल के उबालें और फिर उस हिसाब से अपने आप नूडल में आप नमक डालें। अब हम इसमें नूडल डाल देंगे। इसमें नूडल डाल दिए हैं और इन सबको मिक्स कर देंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डाल दिए हैं, फिर से इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, अपने घर में आप आसानी से बना सकते हैं। कभी कोई बर्थडे पार्टी हो या वैसे भी नॉर्मली खाने का मन कर जाता है कुछ चटपटा सा, तो आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और अब हम इसको सर्व करेंगे।
ये देखिए हमने इसको सर्व कर लिया। ये बहुत ही बेहतरीन बना है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।